मम्मा चिड़िया अपने घर की मरम्मत का काम कर रही थी। गुड़िया बेटी मम्मा चिड़िया को काम करते देख रही थी। मम्मा मम्मा आप थक गए होंगे, आप आराम कर ले। नहीं गुड़िया बेटी मैं ठीक हूँ। मम्मा मम्मा मुझे जोरों की भूख लगी है, बस थोड़ा सा काम बाकी है, फिर मैं अपनी बेटी को दाना ला दूंगी। तीन पूरे तीन अंडों की माँ बनने वाली हो गई हूँ। समय रहते मैंने घर भी नहीं बनाया, करूँ तो क्या करूँ। तभी गौरी कवि के दिमाग में शैतानी चाल चलने लगती है और वे ऊंची पहाड़ी पे जाकर सूखी लकड़ियाँ ले आती है। चिड़िया चिड़िया मैं ये लकड़ियाँ घर बनाने को लाई थी, पर मैंने सोचा घर बनाना बहुत मुश्किल काम है, मैं किसी पेड़ के खोल में ही बारिश का मौसम गुजार लूंगी, ये लकड़ियाँ तुम ही रख लो। गौरी बहन ऐसे तो बहुत मुश्किल होगी तुम्हें। नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ऐसा कहते हुए गौरी चली जाती है। चिड़िया को अपनी छत पूरी करने के लिए वैसे भी कुछ लकड़ियों की जरूरत थी, इसलिए चिड़िया वे लकड़ियाँ अपने काम में ले लेती है और फिर चिड़िया का घर पूरा बन जाता है। चिड़िया गुड़िया बेटी को घर में बिठाकर दाना लेने चली जाती है। चिड़िया चिड़िया क्या आपका घर बन गया है? हाँ कबूतर भैया, मुझे कुछ लकड़ियों की जरूरत थी, वे गौरी बहन दे गई। गौरी गौरी तो बड़ी आलसी है, वो कहाँ से तुम्हारी मदद के लिए आ गई? मदद नहीं, वो लकड़ियाँ अपना घर बनाने के लिए लाई थी, फिर उनका मन बदल गया, वे पेड़ के खोल में ही रहने की बात कर रही थी। अगले दिन से जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है और गौरी कवि अपने प्लान के मुताबिक चिड़िया के घर आ दमकती है। हाँ सही सुना तुमने चिड़िया, अब मेरा मन बदल गया है, तुम मुझे मेरी लकड़ियाँ वापस दे दो, मैं अपना ही घर वापस बना लूंगी। रानो चिड़िया तो हैरान हो जाती है, वो लकड़ियाँ तो मैंने अपने घर की छत में लगा दी गौरी बहन। तो फिर अब से छत पे मेरा भी हक है, बारिश बारिश चिड़िया मैं यहीं रहूंगी। अब गौरी चिड़िया के घर कब्जा जमा लेती है। मुझे तो बड़ी जोरों की नींद आ रही है, मैं तो चली सोने। गुड़िया बेटी बड़ी हैरानी से गौरी को देख रही होती है। दूसरे दिन जब गौरी उठती है तो चिड़िया घोंसले में नहीं थी और गौरी को बड़ी जोरों की भूख भी लगी थी। गुड़िया बेटी एक खेल खेले। हाँ हाँ आंटी खेलते हैं। तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें बिल्ली बन के दिखाती हूँ। गुड़िया अपनी आंखें बंद करती है और गौरी छोटी बच्ची का दाना खा जाती है। कल बनूंगी मैं बिल्ली, आज मैं भूल गई बिल्ली कैसे बनते हैं। और गौरी फिर से घोंसले में चली जाती है। उसी शाम को चिड़िया गर्मा गर्म दलिया बनाती है। जब दलिया बन जाता है तो थोड़े से बर्तन में चिड़िया गौरी को भी अलग से दलिया दे देती है। चिड़िया चिड़िया तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम बहुत बुरी हो गौरी, मुफ्त में ही मेरे गले पड़ गई हो। फिर गौरी और गुड़िया बड़े मजे से पेट भर दलिया खाती है। रात घेर आती है और सभी पक्षी आराम से सो जाते हैं। आधी रात में गौरी की आँख खुलती है और उसे फिर से जोरों की भूख लगी थी। वे आहिस्ता से उठती है और कढ़ाई में ही मुंह डाल दलिया खाने लग जाती है। बेशरम गौरी, ये दलिया मैंने गुड़िया के नाश्ते के लिए बचा के रखा था और तुम इसे चट कर गई, अब मैं तुम्हें अपने घर में कभी नहीं रखूंगी। मुफ्त में नहीं रह रही चिड़िया, भूलना नहीं घर की छत मेरी लकड़ियों से बनी है। फिर दूसरे दिन मौसम बड़ा ही साफ था और चिड़िया कबूतर के पास चली जाती है। कबूतर भैया साथ चले, मैं बड़ी पहाड़ी से लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। मगर चिड़िया मेरे पास ये लकड़ियाँ है, ये मजबूत है और सूखी भी, तुम चाहो तो इन्हें ले जा सकती हो। चिड़िया वो लकड़ियाँ अपने घर ले आती है। सुहाना मौसम देखकर गौरी कवि भी इधर उधर मटर गश्ती में निकल जाती है। चिड़िया गौरी कवि की सारी लकड़ियाँ छत से उतार देती है और कबूतर भैया की लकड़ियाँ लगाने लगती है। थोड़ी ही देर में चिड़िया सारा काम कर लेती है। अब आएगा मजा, वो कवि रहती भी है, खाती भी है, चोरी भी करती है। मौसम फिर से खराब हो चला था और गौरी भी चिड़िया का दरवाजा खटखटाने लगती है। चिड़िया दरवाजा खोलो चिड़िया, मैंने घर की छत बदल दी है, बाहर तुम्हारी लकड़ियाँ पड़ी है, अब तुम यहाँ से चलती बनो, तुम्हारे अंडे मेरे पास सुरक्षित है, चाहिए तो उन्हें भी दे देती हूँ। अब गौरी अपनी चोरी की आदत पे बड़ा पछता रही थी और भयानक बारिश में आश्रय की तलाश में गौरी इधर से उधर उड़ती जा रही थी। आखिर गौरी फिर से अपने पुराने पेड़ के खोल में जाकर बैठ जाती है। अगर मैं चिड़िया के घर से चोरी ना करती तो आज मैं भी बाहर होने की बजाय अंदर ही होती। तो दोस्तों ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए मेरा ये नया चैनल जरूर से सब्सक्राइब करें।